रहीम। तो यहाँ देखें, मैंने बनाया बहुत मज़ेदार वाला पुलाव, बहुत सिंपल तरीके से। चलें जी, आपको ये रेसिपी दिखाते हैं और बताते हैं आपको कि मैं ये सिंपल सा पुलाव कैसे बनाती हूँ। ठीक है जी, देखो मुझे रुला दिया किसने, ये प्यास ने अभी काटे ना मैंने पुलाव के लिए। तो ये देखो मेरी आँखों में आंसू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का लाख शुक्र है, परवरदिगार का, रब्बुल आलमीन का। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी आज बन रहा है जी पुलाव, और वो बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। और मैंने अभी जो प्याज की कटिंग करी, जिसकी वजह से ना आंसू आ गए हैं और मैं रोने लग गई हूँ। वैसे तो मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन ये प्याज है ना, ये रुला देते हैं मुझे। तो चलिए जी, अभी मैं ना सिंपल सा आपको पुलाव बनाना सिखाती हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे पंजाबी स्टाइल में, और ये मेरी अम्मा से हमने सीखा था। ठीक है जी, और अभी जो ना मैंने प्यारी सी हांडी रख दी। अच्छा, उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छा सा सोना सा प्यारा सा कमेंट्स भी करते करें। ठीक है जी, और यहाँ पर जो ना मैंने एक पतीली साफ करी सी प्यारी सी, और यहाँ पर दी पतीली, यहाँ पर रख दिया है ऑयल। अच्छा, आपने अगर घी में बनाने हैं तो ज़रूर घी में बनाएं, लेकिन मैं जो बनाऊँगी ना वो बनाऊँगी मैं ऑयल। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ें रखी हैं, बहुत सिंपल तरीके से बनाई गई हैं जी। चावल यहाँ पर आ गए, चिकन और हरी मिर्चें यहाँ पर हैं, काली मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और छोटी इलायची, ये है जी नमक, और है अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर ये जो जहाँ ज़ालिम प्याज, इतने ज़ालिम प्याज, हाय मैं मर जाऊँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए कसम से। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कभी कभी इतने ज़ालिम प्याज आ जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए जी, ऑयल ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दो चम्मच। ठीक है, और अभी जो है ना प्याज जो है इसमें ऐड करेंगे, इसको मैंने काट पीट के रख दिया था। ठीक है, साइड से ब्राउन करेंगे, और वहाँ कंटिन्यू भी जो मुझे देख रहे हैं उनसे भी जी ये कहूँगी कि सब्सक्राइब लाजमी किया है, और बेल का बटन दिया हुआ है वही प्रेस कर देख रहे, ताकि जो भी मेरी वीडियो होती है सबसे पहले आप उसको मिले। ठीक है जी, तो यहाँ पर हो रही है प्याज, अब इसमें मैं क्या क्या अभी मैं आप लोगों से करूँगी मैंशन, और ज़रूर देखा करें मेरी वीडियो, बहुत भले की बात होती है, हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती, कोई भी चीज़ छुपाती नहीं। ठीक है जी, तो चले यहाँ पर जो ना ब्राउन कर देते हैं प्याज को, जब तक ये ब्राउन प्याज हो जाते हैं, और छोटे मोटे जो मेरे काम है वो मैं कर लेती हूँ जी। अब क्या बनाना है हमने, अब इसमें जो ऐड करना है वो आपको बता दूँ मैं। अब ये ऐड करते हैं अदरक लहसुन, जीरा, पिसा हुआ धनिया, छोटी इलायची और काली मिर्चें, चिकन, और देखो क्योंकि मेरे से बनाऊंगी अपनी वीडियो में, एक लाइक तो बनता है। चले जी, सारे मसालों को जो ना अच्छी तरह से भूने, देख लें आप कितनी मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरी वीडियो को ना सब्सक्राइब लास्ट भी क्या कर रहे खाची भी कर रहे। जब तक ना हम ना इसको भूनेंगे ना, तो जो चिकन की जो कसैल होती ना वो निकलती है। ठीक है, ये सूंधी सूंधी खुशबू आ गई। चलो पानी ऐड कर देते, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, और हरी मिर्चें ये भी ऐड कर देंगे, और कैप लगा देते हैं। हाँ, एक और चिकन पाउडर, घर में अगर इसका जो जायका होता है ना बहुत मज़े का होता है। चलो ये भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर,
कुछ रहे थे कि क्या होता है। चलो इसको कर देते हैं। आज जुम्मा था ना, मैंने कहा कुछ ऐसा बनाऊं मजा आ जाए। काफी दिन से ना रोटी बन रही थी और जो ना सालन बन रहा था और जो पुलाव है ना ये नहीं बन रहा था। मैंने सोचा चलो मैंने कहा आज पुलाव जरूर बनाया जाए। ठीक है जी, तो चले आप लगा देते हैं यखनी के लिए। बस यहाँ पर जो ना चावल जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा और फिर हमने इसको रखना है दम पे। ठीक है, और पानी इतना डालें जितना ये जो ना ये ना हो कि ना आपके जो चावल है ना वो ख़राब हो जाए। तो कम पानी डालना है इसमें, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए मैंने भी कम पानी इसमें ऐड किया तो चावल ना अच्छे बनेंगे, निखरे निखरे बनेंगे। और ज़्यादा पानी अगर ऐड कर देंगे तो फिर ये लई की तरह बन जाएंगे, ये मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए खुश्क होने तक इसको पकाते हैं। हमारा यहाँ पर खाना हो गया है तैयार। तो यहाँ देखिए कैसा टेस्टी के कितने मज़ेदार वाला ये बनाया आज पुलाव, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।